प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन वैल्यू एडेड मेथड से हम स्टार्ट करेंगे। अब तो एक स्टार्ट करने के पहले एक रिकैप दे दें जितने भी फॉर्मूले अभी तक मैंने एक्सप्लेन किए। तो देखिए रिकैप में हमें दिख रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, फिर था जीवीएमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर नेशनल इनकम अगर निकालना है एनएनपीएमपी कहते हैं तो जीवीएमपी की हेल्प लेकर हम फॉर्मूला जनरेशन कर सकते हैं। फिर सेल्स का फॉर्मूला था डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शन थे जो हमने आपको बताए थे। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाला जो एक्सेप्शन था एक हमने बताया था। फिर सेल्स के भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, सेल्स का मतलब हो सकता है सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू अदर फर्म प्लस एक्सपोर्ट। तो ये सारे कुछ फॉर्मूले थे जिसको हम यूज करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो प्रीवियस वीडियो से आपको लिंक से मिल जाएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें आईसी निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और नीचे डेटा दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, एनवीएफसी दिया हुआ है, सेल्स टैक्स दिया है, सब्सिडी डिप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर हमें निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी हमने एक आपको फॉर्मुला दिखाया जिसमें था जीवीएमपी का फॉर्मुला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो यहां पर आ रहा है तो हम ये चीज निकालना चाहते हैं और क्वेश्चन में जीवीएमपी तो दिया नहीं है लेकिन दूसरी चीज दी है, देखिए नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनवीएफसी दिया हुआ है। हम एनवीएफसी से जीवीएमपी का फॉर्मुला बनाकर निकाल सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे, तो चलिए दिखाते हैं। तो देखिए एनवीएफसी अगर हमें निकालना है तो हम जीवीएमपी की हेल्प ले सकते हैं, जीवीएमपी। तो चलिए मैच करते हैं, देखिए क्या क्या है, नेट और ग्रॉस दिया हुआ है। नेट निकालना है, ग्रॉस दिया हुआ है तो माइनस डेप्रिसिएशन होता है, फिर वीए और वीए सेम है। कॉस्ट निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस दी हुई है तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ माइनस एनआईटी। एनआईटी को हम क्या लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हम एनआईटी यहां से हटा के क्या लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये दो फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया। अब हम जीवीएमपी को ये चीज लिख सकते हैं तभी मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। तो हम जीवीएमपी हटाकर अब क्या लिख रहे हैं, जीवीएमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहां लिख लेते हैं जीवीएमपी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो गया। अब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लेते हैं। तो सारी वैल्यूज अब हम पुट करते हैं एक एक करके। तो एनवीएफसी की देखिए क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, एनवीएफसी इज 80, तो हम एनवीएफसी की जगह क्या लिख दे रहे हैं 80। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 200, तो अब नेक्स्ट स्टेप से हम यहाँ 200 लिख ले रहे हैं, ये 80 हो गया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को वैसे ही रख दे रहे हैं क्योंकि आईसी हमें निकालना है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, तो यहाँ 20 कर दे रहे हैं। माइनस इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में देखिए सेल्स टैक्स दिया हुआ है 15 और सब्सिडी कितनी है, सब्सिडी 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आईसी मिल जाएगा, आईसी नेगेटिव में इधर जाएगा तो पॉजिटिव, तो आईसी इक्वल टू ये 80 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस। तो पहले हम ये नोट कर लेते हैं जो दिया हुआ है 200 माइनस 20 और इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस 10 और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 80। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 90 हमारा बचता है, तो आंसर इज 90। जो भी वैल्यू होगी वो हम नोट कर देंगे, 90 लाख में आंसर है। क्वेश्चन 2 में देखिए दिया हुआ है कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा और ये दिल्ली बोर्ड 2008 में आ चुका है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए नेट वैल्यू एडेड और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है। हमको सेल्स निकालनी है तो हमको ये दो फॉर्मूले तो पता है, अभी हमने आपको रिकैप करवाया था फॉर्मूला। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बताया था सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड जीवीएमपी का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमको ये वाला पार्ट चाहिए सेल्स। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम यहाँ रखते हैं, ये फॉर्मूला अगर यहाँ पुट करते हैं तो हमें सेल्स मिल जाएगा। तो हम देखिए ये फॉर्मूला इसमें रख देते हैं। तो जीवीएमपी को हम क्या बना सकते हैं, अब जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम ये पूरा फॉर्मूला रख दे रहे हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट की जगह हम ये रख सकते हैं। तो यहां पर हम रख दे रहे हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक और इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैसे ही रख दे रहे हैं। हमने ये फॉर्मूला जनरेट कर दिया जीवीए एमपी का। और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनवीएफसी दिया हुआ है, तो हम एक तरफ एनवीएफसी रखते हैं एनवीएफसी और एक तरफ रखते हैं जीवीए एमपी। अब जीवीए एमपी की जगह पहले हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं, तो फिर जीवीए एमपी का फॉर्मूला ये वाला जो फॉर्मूला ये इधर पुट कर देंगे तो सेल्स मिल जाएगी हमें। तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं, नेट निकालना है ग्रॉस तो माइनस डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट निकालनी है मार्केट प्राइस है तो माइनस एनआईटी। हम एनआईटी की जगह क्या लिख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एनआईटी होता है तो हमने ये पार्ट लिख दिया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो जीवीए एमपी की जगह हम ये वाला पार्ट रखने जा रहे हैं यहाँ पर, ये जो इक्वेशन 2 थी तो जीवीए एमपी की जगह हमने क्या रख दिया सेल्स, तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, फिर ये वाला पार्ट आगे चलेगा माइनस डेप्रिसिएशन एंड माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ब्रैकेट में ही कर देंगे। अब यहां पे एनवीएफसी लिख देते हैं एनवीएफसी। इस तरह आपको पहले पूरा फॉर्मूला जनरेट करना है, फिर जितनी भी वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है उसको आपको पुट करके सॉल्व कर देना होगा। चलिए अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिएगा सब चीज की वैल्यू दी होगी, सेल्स की नहीं है, वही निकालनी है हमें एक्चुअली, तो बाकी सबकी वैल्यू क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। देखिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एनवीएफसी की वैल्यू दी है 300, तो हम एनवीएफसी पहले क्या करते हैं सेल्स को इधर ले आते हैं क्योंकि सेल्स निकालना है, तो माइनस सेल्स हो जाएगा उधर प्लस में है, इक्वल टू एनवीएफसी उधर जाएगा तो माइनस एनवीएफसी, और एनवीएफसी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 300 है तो माइनस 300 लिख दें हम, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, और 300 है तो माइनस 300 लिख दिया हमने, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक है माइनस 50 तो ब्रैकेट में माइनस 50 लिख देते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200 तो 200 लिख दिया हमने, माइनस डेप्रिसिएशन विच इज 30, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो क्वेश्चन में देखिए कहीं सब्सिडी दिया नहीं है तो आप जीरो मान लेंगे, तो इनडायरेक्ट टैक्स लिख लेते हैं, तो ये जीरो हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 20, तो 20 माइनस जीरो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां ध्यान रखिएगा नेगेटिव सेल्स चल रहा है यहां पर, माइनस 300 प्लस माइनस माइनस 50, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस 230 एंड ये माइनस 20 हो जाएगा, टोटल कर लेते हैं 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 100 हो गया हमारा, और 3, 4, 5, 600 माइनस का क्योंकि सब नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहता है। सेल्स देखिए नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो हमारी सेल्स आ गई 600 लाख।